अगेन टू चॉकलेट, मतलब इतनी चॉकलेट खा के मैंने क्या करना है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी जूनी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो आप ये सारे गिफ्ट देख रहे हैं मेरे सामने, वो सारे के सारे गिफ्ट मेरे बहुत लवली फ्रेंड्स ने दिए हैं। बहुत लवली फ्रेंड्स जो कि मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब हैं, ये मेरे स्कूल फ्रेंड्स और मेरे नेबर फ्रेंड ने दिए हैं, ठीक है। और जो मेरे चाचू पुप्पो की तरफ से जो भी गिफ्ट हैं वो मैं ज़रूर दिखाऊंगी आपको। सबसे पहले हम लोग ये गिफ्ट को अनबॉक्स तो करते हैं। आपने मतलब बर्थडे अभी बहुत ज़्यादा पेंडिंग गिफ्ट पड़े हुए हैं, ये तो मेरी फ्रेंड्स ने मुझे सारे गिफ्ट दिए हैं। अभी तो बहुत ज़्यादा पेंडिंग गिफ्ट पड़े हुए हैं, ठीक है, जो कि चाचू की तरफ से बहुत ज़्यादा पेंडिंग है। और मेरे कुछ बाकी फ्रेंड्स ने भी मुझे गिफ्ट नहीं दिए, तो वो मुझे जब देंगी तो तभी मैं आपको वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी जो उन्होंने मुझे दिया। तो अभी जितने भी उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया हम उसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं मुझे क्या क्या दिए हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग, इतने ज़्यादा गिफ्ट हैं, ठीक है, मुझे समझ नहीं लग रही मैं कौन सा गिफ्ट खोलूँ, ठीक है। सबसे पहले मुझे सारे इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, लेकिन हम लोग खोलते हैं, पहले ये खोलते हैं, हम बड़ा सा डब्बा लग रहा है, यू नो, बड़ा गिफ्ट हम लोग मतलब पहले ही खोलेंगे। ये मुझे गिफ्ट दिया है मेरी अच्छी फ्रेंड माहम ने, जो कि बहुत अच्छी है, ठीक है, मेरे साथ बहुत अच्छा रवैया रखती है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसको गिफ्ट के इसके अंदर क्या। ओके सो गाइस, ये है माहम की तरफ से, अब हम लोग इसको अनबॉक्स करते हैं। ओ वाओ, ओके, तो माहम ने मुझे दिया है डिफरेंट मतलब चीज़ें दी हैं उसने, ये चॉकलेट स्पून दिया है, ये जेलीज दी हैं, और ये बंटी दी है, ठीक है, मतलब डिफरेंट कैटेगरी के फूड हैं यहाँ पर। ये चॉकलेट है, जेलीज हैं, और ये जो क्लिप होती है बुक मार्क टाइप, ठीक है, और ये है मिनी स्ट्रैपलर, और ये है क्यूट सी रेज़र, और ये है क्यूट सी डिज्नी प्रिंसेस की मिनी सी डायरी, जो कि बहुत क्यूट है, बिल्कुल माहम की तरह। तो अभी हम ना इसको क्या करते हैं, एक ना एक तो कुछ खाएंगे, क्योंकि इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें देखकर मतलब मेरा तो दिल ललचा गया, मेरा दिल कर रहा है कि बहरहाल मेरा अभी दिल कर रहा है कि मैं सबसे पहले ना ये चॉकलेट वाला स्पून खाती हूँ, बल्कि छोड़ो हम लोग जेली खाते हैं भाई। सो ये माहम का गिफ्ट है, ठीक है, इसके अंदर से मैंने जेली निकाल लिया क्योंकि मुझे खाना है, मैं बहुत ही फूडी कर लूँ, मुझे खाना इतना पसंद है। तो ये देखें आप, जेली मुझे माहम ने दिया हुई है, हम इसको खाते हैं। ये डॉल्फिन शार्क, आप जो भी कह सकते हैं, ये डॉल्फिन बनी हुई है। ओके, सो गुड। और भी तरह बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, जेली चॉकलेट बहुत कुछ है इसके अंदर, जो कि मुझे माहम ने दिए हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा है। हम इसको ऐसे ऐसा करके खा लेंगे, इतना मीठा है, इतना मैं खाऊंगी तो डायबिटीज हो जाएंगे ना मुझे, हम इसको इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच माहम, मुझे तुम्हारा गिफ्ट बहुत अच्छा लगा, अगर तुमने वीडियो देखी तो थैंक यू सो मच। और चलते हैं नेक्स्ट गिफ्ट की तरफ। सो अभी हम लोग नेक्स्ट गिफ्ट हम देखते हैं, ये वाला बोलते हैं पिंक पिंकिश पिंकिश सा गिफ्ट है। सो गाइस, ये जो आप गिफ्ट देख रहे हैं बिल्कुल लवली सा, ये मुझे दिया है मेरी फ्रेंड मीरब ने, ठीक है, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। और अभी हम इसको खोल दिए क्या है इसके अंदर। ओके, तो इसके अंदर है ये, अच्छा उसने मुझे दी है ये क्यूट सी चॉकलेट, क्यूट है। और एक मैंने दिया उसने टॉप्स, ईयरिंग्स दी हैं उसने मुझे, जो कि बहुत ही प्यारे हैं, मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं, ठीक है। और साथ उसने दी है ये मुझे चॉकलेट। तो बहरहाल भाई, मेरा चॉकलेट खाने का बहुत दिल कर रहा था, चॉकलेट खाएंगे, जाहिर बात है मैंने आपको बताया जैसे कि मैं फूडी कर लूँ, और खाने में तो मैं हूँ ही इतनी शौकीन। ये देखें गाइस, आप देख सकते हैं चॉकलेट, थैंक यू सो मच, और ये मैं बाद में खाऊंगी, ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके गाइस, अब हम लोग नेक्स्ट गिफ्ट खोलते हैं, ये वाला बहुत ही क्यूट सा लग रहा है मुझे, ये लवली सा टैडी बेयर वाला उन्होंने मतलब मुझे ये, तो हम लोग खोलते हैं इसको। और इसका बहुत ज़्यादा खाने की चीज़ें हैं, ओ माय गॉड। अच्छा, सबसे पहले है इसके अंदर ये डेयरी मिल्क चॉकलेट, इतनी चॉकलेट, ये देखिए गाइस, ये चॉकलेट है, साथ में एक और चॉकलेट है डेयरी मिल्क की, आमलेट डेयरी आलमंड वाली चॉकलेट, ठीक है, और एक और चॉकलेट है पर्क, ठीक है, और एक और चोको पाए है, मतलब ये देखें आप चोको पाए, और ये डोनट, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है मैं फूडी गर्ल हूँ, और उसने भी मुझे मतलब
खाने पीने का सामान दिए और थैंक यू सो मच रीबा इतनी चॉकलेट्स देने के लिए। तो अभी बाकी गिफ्ट खोलते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग मुझे सारे गिफ्ट लग रहे हैं। ओ माय गॉड ये देखने हैं, बिल्कुल छोटा सा क्यूट सा गिफ्ट लग रहा है मुझे, देखें। तो ये मुझे गिफ्ट दिया है ज़ारा ने, ठीक है, थैंक यू सो मच ज़ारा। और अभी हम इसको खोलते हैं। आई डोंट नो व्हाट्स इनसाइड। जो गिफ्ट पैक हुए होते हैं ना, वो सबसे मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इंटरेस्टिंग लगती है भाई, इसके अंदर हो का सकता है। और अभी हम इसको अनबॉक्स करते हैं। ओ माय गॉड खुल ही नहीं रहा, अनबॉक्स करो इसको। ओके मुझे ज़ारा ने क्या दिया, आई डोंट नो उसने मुझे क्या। ओ माय गॉड अगेन टू चॉकलेट, मतलब इतनी चॉकलेट खा के मैंने क्या करना है। बहरहाल थैंक यू सो मच ज़ारा, आपने मुझे इतना प्यारा गिफ्ट दिया है, आपने मुझे चॉकलेट दिया, थैंक यू सो मच। मुझे वैसे चाहिए क्या कि मैं ये जितनी भी उन्होंने चॉकलेट दिए हैं, मैं इन्हीं के बर्थडे पे इनको चॉकलेट वापस कर दूँ। आई एम जस्ट किडिंग, थैंक यू सो मच ज़ारा, आपने इतने से प्यारे रैपर मुझे इतनी प्यारी चॉकलेट दी है, थैंक यू सो मच ज़ारा। मतलब हमारा एक और गिफ्ट ओपन हो चुका है और अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट गिफ्ट की तरफ। ओके अब हम लोग खोलते हैं। ओके ये रखेंगे, मुझे दिया महनूर ने कार्ड, हम इस कार्ड को पढ़ते हैं। कितना प्यारा उन्होंने मतलब कार्ड बनाया है, इसके अंदर से भी उन्होंने बहुत प्यारा मतलब बनाया है, आप देख सकते हैं। और एंड से अब मैं इसको पढ़ती हूं। मैं हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, फ्रेंड, आई विश यू हैप्पीनेस बियॉन्ड लिमिट्स, बिकॉज़ फ्रेंड विद यू हैज नो लिमिट, द फ्रेंडशिप विच यू हैव इज प्रीशियस टू मी, एंड आई वुड नॉट ट्रेड इट फॉर एनीथिंग इन द वर्ल्ड, विशिंग यू अनदर ईयर ऑफ जॉय एंड फ्रेंडशिप, लव यू अ लॉट फ्रेंड, लाइक यू आर ब्लेसिंग एंड आई एम फॉरएवर ग्रेटफुल टू हैव यू, नमस्कार फ्रॉम योर डियर फ्रेंड महनूर। थैंक यू सो मच महनूर, बहुत आपका लवली कार्ड था। और मुझे महनूर ने ये कार्ड के साथ साथ ये चॉकलेट भी दी थी, ठीक है, थैंक यू सो मच महनूर, आपको मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट लगा। अब मैक्सिमम अगर काउंट करें ना तो मेरे पास चॉकलेट 1, 2 ठीक है, 3, 4, 5 और 6, अभी मेरे पास 6 चॉकलेट्स हुई हैं, ठीक है, महनूर का गिफ्ट ऐड करके और धारा रिजवी की चॉकलेट को ऐड करके। ओके तो अभी हम लोग नेक्स्ट गिफ्ट खोलते हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा अच्छा अच्छा गिफ्ट है। तो अभी मैं गिफ्ट खोलूँगी। ओके हाँ ये तो ये क्यूट सा टाइनी सा कार्ड मुझे दिया है मुस्फरा ने। अब ये जो मैं गिफ्ट खोलूँगी वो मैं खोलूँगी मुस्फरा का, मुस्फरा की तरफ से मुझे ये गिफ्ट मिला, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, इसे लेके हैप्पी बर्थडे माहा, ठीक है, वो मुझे माहा कहती है, मे यू हैव मैनी मोर फ्रॉम मुस्फरा, थैंक यू सो मच मुस्फरा। और उसने दिल भी दिया है एक मेरी तरफ से भी आपको दिल, ठीक है। तो मुस्फरा ने मुझे इस कार्ड के साथ साथ ये स्टिकर्स भी दिए हैं स्माइली फेस वाले, बिल्कुल इसकी तरह स्माइल करते रहते हैं हर वक्त। और क्यूट सा मुझे पेन दिया जो कि बहुत ही मुझे प्यारा लगे, और ये ऐसे खुलता है और ये बॉल पॉइंट टाइप्स है, ठीक है, अभी मैं लिख के देखूँगी। और ये तकरीबन एक कीचन है, आप इस कीचन को उतार भी सकते हैं जो कि बहुत प्यारा मुझे लगा है, ये देखें आप। थैंक यू सो मच मुस्फरा, और ये था मुस्फरा की तरफ से गिफ्ट मुझे, मुस्फरा बहुत अच्छा लगा है आपका गिफ्ट, रियली अप्रिशिएटेड ऑल ऑफ यू गाइस, आपने इतना प्यारा मुझे गिफ्ट दिया वो भी मतलब टाइम निकाल कर, ठीक हो गया। तो अभी हम लोग एक और गिफ्ट खोलते हैं, ये वाला गिफ्ट, इट्स लुकिंग सो इंटरेस्टिंग, ये वाला गिफ्ट आप देख सकते हैं, ये मुझे दिया है मेरी फ्रेंड मारूफ ने, ठीक है, और उसने क्यूट सा एक लेटर लिखे हैप्पी बर्थडे टू माई डियरेस्ट फ्रेंड जूनीसू, उसको पता है मेरा नाम सो जूनी लेकिन उसने जूनीसू बना दिया, एंड वो उसने मेरा निकनेम रखा है, आई लव यू मारूफ सो मच, इतना प्यारा आपने मुझे गिफ्ट दिया, रियली अप्रिशिएटेड, आप देख सकते हैं उसने लिखा। तो मुझे मारूफ ने दिया है ये प्यारे से प्रिंसेस वाले स्टिकर्स, और उसको पता कि मैं अपने पापा की प्रिंसेस और इतने प्यारे, उसने मुझे स्टिकर्स दिए हैं, ये प्रिंसेस वाले उसने मुझे स्टिकर्स दिए हैं। ओके तो ये मुझे मारूफ ने बहुत ही प्यारा एक गिफ्ट दिया, ठीक है, ये डायरी है, ये डायरी है और बहुत ही प्यारी डायरी है जो मतलब हिलती है, मैं आपको दिखाती हूँ कैमरे में आके आगे, ये देखें जो ऐसे ऐसे हिलती है, उसने मुझे बहुत प्यारी डायरी दी है, ये एज यू कैन सी इट्स मूविंग, ठीक है, और ये इसके अंदर पेजेस हैं जिसके अंदर पिंक पेजेस भी हैं, ठीक है, बहुत प्यारी डायरी दी है, थैंक यू मारूफ, थैंक यू सो मच इतने प्यारे गिफ्ट देने के लिए। और अब हम चलते हैं और गिफ्ट की तरफ। तो ये मेरी मुझे नेबर ने दिया है अरफा ने, अभी हम अरफा का गिफ्ट खोलते हैं। ओके तो उसने मुझे दिया है ये क्या किया, व्हाट इज दिस, तो पैक हुआ है, ओह माय गॉड खुलेगा ही नहीं है, अरफा क्या करती हो, ओह
ओके तो ये है एक शॉपनर, थैंक यू सो मच, ठीक है, क्योंकि हम शॉपनर की भी जरूरत पड़ती है, पेंसिल को शॉप करना पड़ता है क्योंकि हमें शॉपनर से यू नो पेंसिल शॉप करनी होती है, ठीक है, शॉपनर से, और हमें टीचर पेंसिल से नोट्स बनवाती हैं, इतना ज़्यादा गंदा डल गया टेप्स का, कोई बात नहीं, चलता है, मेरी बर्थडे पर तो कुछ भी हो सकता है। अब देखिए शॉपनर दिया है और मुझे अरफा ने बहुत प्यारी सी क्यूट सी पेंसिल दी है, ओके ये मुझे अरफा ने प्यारी सी पेंसिल दी है एंड आई लव इट, इतनी प्यारी है, देखिए हथौड़े वाली है, इससे मैं तो मतलब कील भी ठोक सकती हूँ, ठीक है। और मुझे अरफा ने दिया है ये अरफा ने मुझे दिया है ये मार्कर, थैंक यू सो मच, अरफा ने मुझे मार्कर दिया एज यू कैन सी, ठीक है। और अरफा ने मुझे साथ ही साथ एक और बहुत पेंसिल दी है, एक और पेंसिल दी है, वाओ ये देखें गाइस आ पेंसिल, मतलब मुझे अरफा ने ये गिफ्ट दिया, आई लव अरफा, आपका गिफ्ट मुझे बहुत अच्छा लगा है, ठीक है। गिफ्ट अगर आप 10 रुपये का गिफ्ट भी दे दोगे वो गिफ्ट होता है, क्योंकि बस गिफ्ट होना चाहिए, ठीक है। बोलेंगे ये मुझे दिया है फातिमा ने, ओके हैप्पी बर्थडे, थैंक यू सो मच फातिमा, स्मेल सो गुड, ये रोज पेटल्स हैं, वाह ये बहुत ठंडा ठंडा, इसकी स्मेल बहुत अच्छी है, ओके फातिमा ये मैं आपका गिफ्ट खोने लगी हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे आपका गिफ्ट, और मैं अब देखती हूँ आपने मुझे क्या दिया, थैंक यू सो मच फातिमा एंड अरफा, ठीक है, और सबका बहुत सारा थैंक यू जिसने मुझे गिफ्ट दिया है, गिफ्ट तो गिफ्ट होता है ना, वह इसको चीज़ फाड़ के खोलते हैं, ओके तो ये मुझे बहुत ही प्यारी शेड की नेल पॉलिश दी है फातिमा ने, इतना प्यारा शेड है इसका, ओके गाइस तो अब ये मुझे क्यूट सी, हर चीज़ क्यूट होती है, ये मुझे प्यारी सी चॉकलेट दी है, बबली चॉकलेट दी है मरुषा ने, थैंक यू सो मच मरुषा, ये मेरी बहुत पुरानी दोस्त है और आपने मुझे इतनी प्यारी चॉकलेट दी है, ठीक है, थैंक यू सो मच। और जैसा कि आप जानते हैं 7 चॉकलेट्स मेरे पास हो चुकी हैं और अभी ये मैंने गिफ्ट खोले हैं और इसमें से 7 चॉकलेटें निकली हैं, थैंक यू सो मच सबके लिए जिसने मुझे चॉकलेट्स दी हैं और इतने प्यारे प्यारे ओसम ओसम गिफ्ट दिए हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे हैं गिफ्ट, सारे बहुत अच्छे हैं, सबकी अपनी अपनी वैल्यू है, अपना अपना एक यू नो कलर इतना ब्यूटीफुल है सारे गिफ्ट। और अभी हम लोग खोलेंगे, ये है गिफ्ट मेरी पुप्पो की तरफ से जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि मेरी पुप्पो ने दिया मुझे, ठीक है, जिन्होंने मुझे इतना भड़ा करके पाला है और अभी मैं यहाँ पे बैठ के गिफ्ट खोल रही हूँ, तो अभी हम इसको अनबॉक्स करते हैं कि पुप्पो ने मुझे इतना प्यारा गिफ्ट उन्होंने मुझे दिया है, ठीक है, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल गिफ्ट है, ठीक है, अभी हम इसको अनबॉक्स करते हैं। इस गिफ्ट के लिए मैं इतना एक्साइटेड थी ना कि पुप्पो ने दिया क्या हो इसके अंदर, क्योंकि इतना ज़्यादा शेक आया, ये देखें, ओके सो हम लोग देखते हैं कि पुप्पो ने मुझे क्या दिया है, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। गिफ्ट जो पैक हुए होते हैं ना उसकी तो अपनी एक्साइटनेस होती है, एक्साइटमेंट होती है उसकी, ठीक है, तो अभी हम इसको अनबॉक्स करते हैं। ओ माय गॉड वाओ क्या दिया है पुप्पो ने मुझे, पाउच उस पे लिखा हुआ है बर्थडे, मतलब मेरी हैप्पी बर्थडे भी, इतना प्यारा मुझे बर्थडे वाला पाउच दिया, थैंक यू सो मच। वैसे भी मैं घर वालों को कह रही थी कि मुझे नया पाउच चाहिए है, ठीक है, मेरा पाउच ख़राब हो चुका है, मुझे अब नए पाउच की ज़रूरत है, और पुप्पो ने यही सुनकर लगता है मुझे गिफ्ट दे दिया, आई लव इट यार, उस पे बर्थडे लिखा हुआ है, मेरी बर्थडे पे मुझे बर्थडे वाला पाउच मिल रहा है, वाओ वाओ क्या लॉजिक है, खुलेगा क्यों नहीं। सो गाइस ये है सारे मेरे बर्थडे गिफ्ट, अभी तो मुझे इतने मिलने हैं, ये इतने प्यारे मुझे लगे हैं, थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे इतने प्यारे प्यारे ये ओसम गिफ्ट दिए हैं, ठीक है। अभी अगर मुझे और गिफ्ट मिलते हैं चाचू की तरफ से, अगर मेरी और फ्रेंड से मुझे गिफ्ट मिले तो वो भी मैं आपको गिफ्ट ज़रूर दिखाऊंगी अपनी वीडियोज़ में कि उन्होंने मुझे क्या दिया, और थैंक यू सो मच इतने प्यारे गिफ्ट देने के लिए, एंड आई रियली अप्रिशिएट ऑल ऑफ़ यू कि आपने मुझे इतना प्यारा गिफ्ट दिया, और ये है मेरी पप्पो की तरफ से गिफ्ट और ये बाकी मेरे फ्रेंड्स की तरफ से।